होली भक्त वत्सल भगवान की मैं निवेदन कर रहा था। और सबसे महाराज दक्ष की जो छोटी वाली बेटी थी जिसका नाम था सती, सती नाम की बेटी का विवाह महाराज दक्ष प्रजापत जी ने भगवान भोलेनाथ शंकर के साथ में किया। जैसे महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित महाराज दक्ष प्रजापत जी ने सती नाम की बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ में किया, तो महाराज राजन परीक्षित जी एक जिज्ञासा रख देते हैं कि भगवान मैंने सुना है महाराज दक्ष प्रजापत जी में और भगवान शंकर में तो बैर भाव चलता था, विरोधाभास था, और जब विरोधाभास था तो विरोधाभास होने के उपरांत भी महाराज दक्ष ने अपने सती नाम की बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ में कैसे कर दिया। थोड़ा आप इस चरित्र के ऊपर प्रकाश डालें और मुझे बताएं समझाएं। सुखदेव जी ने कहा, राजन जिस समय महाराज दक्ष ने अपने सती नाम की बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ में किया उस समय महाराज दक्ष में और भगवान शंकर में बैर भाव नहीं था, ये विरोधाभास तो विवाह के बाद हुआ, संबंध जुड़ने के बाद विरोधाभास हुआ। और ध्यान देना, जहां हमारा आपका संबंध होता है वहीं विरोध होता है। भाई जहां हमारे आपके संबंध होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो वहीं फिर थोड़ी सी विरोधाभासता भी होगी। अब जब हम किसी से जुड़े ही नहीं हैं, तो उससे विरोधाभास का क्या होगा, कोई कारण ही नहीं बनता है। विरोधाभास तो व्यक्ति के जुड़ने के उपरांत ही होता है, पहले नहीं। तो भगवान शंकर और दक्ष का जब संबंध जुड़ता है और महाराज दक्ष प्रजापत जी अपने सती नाम की बेटी का विवाह शंकर के साथ में कर देते हैं, तो फिर संबंध बिगड़ते हैं, विरोधाभास होता है। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज बताइए। सुखदेव जी ने वर्णन किया कि राजन जिस समय सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में कर दिया दक्ष ने, इसके उपरांत एक बार महाराज ब्रह्मा जी के यहां सभी देवताओं का समागम हुआ, आना हुआ, और उस सभा में सभी देवता लोग गए, बड़े बड़े सिद्ध मुनि मनीष लोग गए। महाराज ब्रह्मा जी ने दक्ष को भी आमंत्रित किया, तो दक्ष महाराज ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ बेटे माने जाते हैं, बड़े बेटे। संपूर्ण देवता लोग ब्रह्मा जी के यहां सभा में उपस्थित हो गए, सब सिद्ध मुनि लोग उपस्थित हो गए। महाराज दक्ष प्रजापत जी ब्रह्मा जी के सभा में बाद में आए, क्योंकि महाराज दक्ष प्रजापत जी सम्मान बहुत चाहते हैं, मुझे प्रतिष्ठा मिले, लोग मेरा सम्मान करें, समाज के बीच में, सभा के बीच में मेरा सर्वोपरि सम्मान हो। तो जहां भी देवताओं के यहां, मुनियों के यहां कोई सभा होती है, तो सब लोग पहले पहुंच जाते हैं, दक्ष प्रजापत जी सबसे बाद में आते हैं। क्यों बोले, इसलिए कि जब सबसे बाद में जाएंगे तो सब लोग उठ करके हमें प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। आज के वर्तमान परिवेश में भी देखते हैं, जहां किसी नेताओं की रैली हो तो हीरो जो होता है वो सबसे बाद में आता है। इसी तरह हमारा दक्ष का एक स्वभाव है कि सबसे बाद में जाते हैं। ब्रह्मा जी के यहां हमारा सभा हुई, उस सभा में सात देवता लोग पहुंच गए।
सबसे बाद में पहुंचे महाराज दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति जी पहुंचे तो सभी देवताओं ने उठ उठ करके महाराज दक्ष प्रजापति जी को प्रणाम किया। समूची सभा ने, संपूर्ण सभी सभासदों, मात्र केवल उस सभा में एक ही महापुरुष ऐसे रह गए कि जिन्होंने दक्ष प्रजापति जी को उठ करके प्रणाम नहीं किया, ना उठ के ना बैठे, प्रणाम किए ही नहीं। समझ गए होंगे आप लोग, हैं भगवान शंकर, भगवान भूतनाथ भोले बाबा शंकर जी ने मारा दक्ष प्रजापति जी को प्रणाम नहीं किया। तो सम्मान चाहने वाले व्यक्ति की दृष्टि सम्मान देने वाले के ऊपर इतनी सक्रिय नहीं रहती है जितनी सम्मान ना देने वाले के ऊपर रहती है। कितने लोगों ने प्रणाम किया ये व्यक्ति नहीं बता पाएगा, लेकिन कितने लोगों ने प्रणाम नहीं किया ये जरूर बता देगा। मैं वहां गया, वो फलाना व्यक्ति मेरे सामने बैठा रहा, उसने प्रणाम ही नहीं किया। तो प्रणाम कितने लोगों ने किया ये नहीं बता पाएगा, कितने लोगों ने प्रणाम नहीं किया ये जरूर ध्यान से देखेगा। तो सबने प्रणाम किया, भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष को बड़ा बुरा लगा और दक्ष ने भगवान शंकर के लिए कुछ अपशब्द कहना प्रारंभ किया। तस्माद् उन्माथुनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे चिताभस्म कृत स्नाना प्रेत संगस्ति विभूषण। तस्माद् उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे। अरे सब मुझे उठ करके प्रणाम किए हैं, ये उन्मादी शंकर ने उठ करके हमें प्रणाम नहीं किया। ये उन्मादी है, अहंकारी है, अभिमानी है, इसको अपनी प्रभुता के ऊपर अभिमान है, अहंकार है। चिताभस्म कृत स्नान। अरे ये शंकर तो बड़ा पवित्र है, कैसा अपवित्र है? बोले चिता भस्म कृत स्नान। ये चिता की भस्म लगाने वाला है, मुर्दा की भस्म लगाने वाला है। और मुर्दा की भस्म कैसी है? बोले मुर्दा की भस्म भर के लाओ तो फिर स्नान करते हैं लोग। और भोले बाबा मुर्दा की, चिता की भस्म लगाते हैं मुर्दा, वो स्नान तो कभी करते ही नहीं है। अब भला विचार करिए, भोले बाबा को स्नान करने की क्या हो सकता है? उनके तो ऊपर गंगा जी दर दर आ रही है, जटाओं में गंगा जी बसी हुई है, सिर पर गंगा जी का निवास है। और इस शंकर के जो संगी साथी है ना, प्रेमी है, प्रेत संग अस्ति विभूषणा, इसके जो मित्र है ना, जो संगी साथी है, वो अच्छे नहीं है। बोले कौन है? बोले प्रेत संग अस्ति विभूषणा, भूत प्रेत पिशाच कूष्मांड बेताल आदि डांकनी सांकनी पिशाचनी, ये इसके संगी साथी है। अरे इसके तो शरीर में दिव्य सुंदर आभूषण भी नहीं है, अस्थि विभूषणा, मुर्दा के मुंडों के हड्डियों की माला पहनता है। प्रेत संग अस्थि विभूषण, अस्थि हड्डियों की माला पहनता है। दक्ष जी कहते हैं हमसे बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? बोले भूल ये हो गई, मया सती साध्वी योदिता, मेरी बेटी सती जो है वो परम पवित्रा है, साध्वी है। बस भूल यहां हो गई कि मैंने ऐसे अपवित्र शंकर को अपनी पवित्रा बेटी सती ब्याह दी। अब ध्यान देना, बात कुछ नहीं है, केवल दक्ष ने प्रणाम नहीं किया, थोड़ा सा सम्मान दे देते, प्रणाम कर लेते तो ये सब कुछ नहीं कहता तुम्हारा।
इस शंकर ने मेरा अपमान किया है, मुझे प्रणाम नहीं किया है, हम भी जरूर इसका बदला शंकर से लेंगे, अपमान का बदला अपमान से। ब्रह्मा जी की सभा का विसर्जन हुआ और सभी देवता लोग अपने अपने स्वस्थान के लिए प्रस्थान किए और भगवान भोले बाबा भी अपने कैलाश पर पर्वत पर आए जहां महारानी सती जी विराजमान हैं। दक्ष ने अपने कनखल क्षेत्र में जाकर के महारानी की यज्ञ किया और उस यज्ञ में महाराज भृगु ऋषि को आचार्य नियुक्त किया, आचार्य बनाया। तो दक्ष प्रजापति जी ने अपने उस यज्ञ में सबको आमंत्रण, सबको आहूत किया, सबको बुलाया, मात्र केवल भगवान शंकर को नहीं बुलाया। क्यों? बोले वो यज्ञ ही इसीलिए किया जा रहा है कि शंकर को ना बुलाया जाए। शंकर ने अपमान किया था ना, इसलिए हम यज्ञ में नहीं बुलाएंगे तो उसे पता चलेगा कि अपमान का बदला ऐसा होता है। भृगु आचार्य बने हुए हैं, भृगु ऋषि, पूषा ऋषि भी उसमें सम्मिलित हैं, बहुत से ऋषि हैं। सब देवताओं को आमंत्रित किया, संपूर्ण देवता लोग आमंत्रण स्वीकार करके महाराज दक्ष प्रजापति जी के उस यज्ञ में उपस्थित हुए। विमानों में बैठ करके महाराज कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। महारानी सती जी ने भोले बाबा से पूछा, प्राणनाथ ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? किसी के यहां बेटे ने जन्म लिया है या किसी के यहां शादी विवाह महोत्सव है, क्या है, ये सब कहां जा रहे हैं? भगवान भोले बाबा ने कहा, सती ना तो किसी देवता के यहां बेटा पैदा हुआ है, ना किसी के यहां विवाह महोत्सव है, फिर महाराज जा कहां रहे हैं? कहा, देवी ये तुम्हारे पिताजी के यहां जा रहे हैं, कनखल क्षेत्र। महाराज क्यों? अरे तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में ये सब लोग उपस्थिति दे रहे हैं, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, पहुंच रहे हैं सब। महारानी सती जी ने कहा, प्रभु आपको निमंत्रण नहीं आया? तो भोले बाबा ने सोचा भी कह देंगे कि नहीं आया तो फिर पूछेंगे क्यों नहीं आया, कारण क्या है, और मैं तो अपने पिता की बहुत ही चहेती, बहुत लाडली बेटी हूं, सबसे छोटी है ना। और ऐसा होता है, मैयाओं का और पिता का प्रेम सबसे छोटी बेटी से ज्यादा होता है। तो अभी सती कहेगी, हम तो अपने पिताजी की बहुत लाडली बेटी, सबसे छोटी, और सबको बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, कारण क्या है? तो भोले बाबा ने कहा, देवी निमंत्रण दिया होगा तो अभी आया नहीं, आने वाला होगा। नहीं नहीं महाराज, हम अपने पिताजी की सबसे चहेती बेटी है, सबसे पहले निमंत्रण अपने यहां आना चाहिए था, आप जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहे हो। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम जान नहीं चाहती हो तो जान लो। सती, तुम्हारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें और तुम्हें ना बुलाया जाए, इसीलिए। क्यों? लगता है तुम्हारे पिताजी कुछ दिन पहले ब्रह्मा जी के यहां जो सभा हुई थी उसमें आए थे और सब लोगों ने उठ करके तुम्हारे पिताजी को प्रणाम किया, मैंने प्रणाम नहीं किया, तो लगता है कि तुम्हारे पिताजी को अपमान एहसास हुआ कि हमारा अपमान किया, इसीलिए उस अपमान को एहसास करके उसका प्रतिशोध लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए वो यज्ञ कर रहे हो, सबको बुलाया हमको नहीं बुलाया। महारानी सती जी ने कहा, भोले बाबा अगर पिताजी को वहां ब्रह्मा जी के यहां में सभा में सब लोग प्रणाम कर रहे थे, सब लोगों ने प्रणाम किया, आप भी कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, क्या बिगड़ जाता। अब भोले बाबा ने सोचा, ये तो कलह घर ही में खड़ा हो रहा है,
बोले बाबा ने बात को टाल दिया, बोले देवी हम प्रणाम तो कर लेते परंतु मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारे पिताजी कब आए हैं। क्यों नहीं चला पता? बोले महाराज इसलिए अर्घ चाहता चंद्रमा ओ भेंट चाहती गंग ओ चाहिए दूध भुजंग को सो भोला को प्रिय भंग। तुम जानती हो मैंने भांग का गोला लगा लिया पर मुझे पता ही नहीं है तुम्हारे पिताजी कब आए कैसे आए कब चले गए कोई पता ही नहीं। मुझे तो बाद में ये नंदी भृंगी सृंगी ने बताया कि महाराज आपके ससुर साहब आए थे बड़े नाराज हो रहे थे क्रोधित हो रहे थे और आपको उल्टा सुल्टा कुछ कह रहे थे। तो हमें लगता है ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेही ते अजहु करे अपमाना। वो ब्रह्मा जी के यहां सभा में उन्हें लगा हमारा अपमान किया इसी कारण से उन्हें आमंत्रण नहीं किया बुलाया नहीं आहूत नहीं किया। अब बोलो सती तुम्हारी क्या राय है? सती जी ने कहा महाराज हमारा तो मन कर रहा है कि यज्ञ में चलें चलें यज्ञ में। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा मन कर रहा है कि यज्ञ में चलें तो हमें भी लग रहा है कि यज्ञ में जाना चाहिए। कहे वो नी के हम दे मन भावा कहे वो नी के हम दे मन भावा कर जगे अनुचित नहीं न हो तो बठावा यगे अरे भला यज्ञ में जाने से देवी सती जी कौन मना करेगा? कहो नीक हमरे मन बाबा यह अनुचित नहीं न्यो तो पठावा। मन तो कर रहा है यज्ञ में चले बस थोड़ा यहां मैं सशंकित हो जाता हूं कि निमंत्रण दिया एक छोटी सी चिट्ठी दे देते तो बात बन जाता। इसलिए सती अगर बिना बुलाई जाओगी तो ठीक नहीं होगा। कभी ने बोले जो जाओ भवानी बिने बोले जो बिने बोले जो जाओ भवानी बोले जो जाओ भवानी रहा नसील स्नेह सुकानी राखा है ना सील संदेह सोका। बिना बुलाए यदि सती तुम जाओगी यज्ञ में वो सम्मान नहीं मिलेगा। पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए इसलिए मत जाओ। अब सती जी कहां मानने वाली? नहीं मानी। नहीं महाराज हमारा ही तो इच्छा है हम तो जाएंगे। ठीक है बहुत समझाया लागना और उपदेश जदब कहो शिव बार बहु बहुत समझाया। भगवान शंकर ने समझ लिया वह सती तुम पिता के घर जा रही हो तो तुम्हारे जीवन की फर्स्ट एंड लास्ट यात्रा है प्रथम और अंतिम यात्रा है। अभी तुमने मेरे साथ में बहुत सी यात्राएं की हैं लेकिन ये पिता के घर की तुम्हारी जो यात्रा है ना
ये अंतिम यात्रा है। और अंतिम यात्रा तो अंतिम यात्रा होती है, पर उसके आगे तो कोई यात्रा है ही नहीं। मानो भोले बाबा ये संदेश देते हैं कि सती, ये पिता के घर जो तुम जा रही हो ना हट करके, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा है। बस यहां से फिर आगे ना तुम कहीं जाओगी ना पीछे आओगी, वही तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा, अंतिम यात्रा। नहीं मानी सती, सती जी चली है। भोले बाबा विचार करते हैं कि सती जी ने अपने जीवन में एक भूल नहीं की, तीन श्री भूल है तीसरी। हम और आप कहने लगते भैया चलो पहली एक भूल हो गई है कोई बात नहीं, अब मत करना ऐसी। दूसरी भूल हो जाए तो दूसरी भी लोग क्षमा कर देते हैं, लेकिन तीसरी पर बोले बार बार भूल करते रहे तो कहां तक क्षमा किया जाए। इसी तरह सती जी के जीवन की तीन भूलें हैं। एक बार तो सती जी भगवान शंकर के साथ में कथा सुनने के लिए गई महाराज कुंभज ऋषि अगस्त जी के आश्रम में, और जैसे अगस्त जी के आश्रम में पहुंची तो भोले बाबा पहुंचे सती को साथ में लेके, तो अगस्त जी ने देखा हमारे यहां नर्मदा के किनारे भोले बाबा सपत्नी अर्धांगिनी के सहित आए हैं, तो जल्दी से अगस्त जी दौड़े कुंभज ऋषि, उन्हीं का नाम कुंभज है, उन्हीं का नाम अगस्त है, और दौड़े बढ़िया जल्दी से दो आसने ला करके डाल दी, प्रणाम किया भोले बाबा को सती जी को, बोले महाराज आसन पर विराजमान हुई। महारानी सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, बोले महाराज आप तो कथा सुनने आए थे, यहां कथावाचक तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, कथावाचक कहां है, कम से कम कथावाचक का बंधन तो कर लें, प्रणाम तो कर लें। भोले बाबा ने कहा देवी सती जी जिन्होंने आसन बिछाई है, जिनने प्रणाम किया है, यही कथावाचक है। सती जी संशय से भर गई, ओ ये कथावाचक हैं, तो जो आसन बिछा रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं, लगता है विद्वान कथावाचक नहीं, क्योंकि बोले विद्वान होता तो प्रणाम थोड़ी करता ही, फ्लैटरी थोड़ी छांटता, ये तो पहले ही से प्रणाम कर रहा है, कोई विद्वान कथावाचक नहीं है, अच्छी कथा करके नहीं जानता होगा, तभी तो श्रोता के सामने नतमस्तक हो रहा है कि श्रोता कोई कमी ना निकाले। ऐसा सती जी ने उसका ऐसा भाव लिया, और बैठ महाराज कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे। राम कथा मुनि बर जे बखानी, ओ सुनी महेश परम सुख मान। अब देखो साथ में सती जी हैं तो किसने सुनी, बोले सुनी महेश, भगवान शंकर ने तो कथा सुनी लेकिन सती जी नहीं सुनी, बोले वे तो इसी में लगी हैं, कैसे कथावाचक हैं, पांव पर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आसन बिछा रहे हैं, चित्त वृत्ति उनकी परिवर्तित हो, कथा नहीं सुनी, एक भूल। और वहां से कथा सुन के चले भोले बाबा, तो त्रेता युग है, रास्ते में देखा भोले बाबा ने कि भगवान का अवतार हो गया है, और भगवान बन लीला कर रहे हैं, बनगमन लीला, और उस वनगमन के 14 वर्ष के वनवास लीला में भगवान राम की पत्नी सीता का हरण हो गया है, और राम जी अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेय, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे
मधुकर श्रेणी तुम देखी सी ताम्र गुलेनी भगवान राम अपनी सीता का खोज कर रहे हैं, लता पत्रादियों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा वो गुप्त रूप अब तरयो प्रभु, त्रेता युग है, राम जी का अवतार हो गया है, ये लीला कर रहे हैं भगवान। भोले बाबा ने प्रणाम किया, तनेन्द्र पशुतन की ने पद नामा, सच्चिदानंद पद धामा, जय हो। भगवान शंकर ने भगवान प्रभु राम को सचित आनंद घन सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। महारानी सती जी को शंका हो गई कि शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाबहुशीसा। सती जी को संशय हुआ कि शंकर जगत बंध जगदीशा, ये जगदीश्वर हैं, सचित आनंद हैं, संसार का हर प्राणी हमारे पति को भोले बाबा को प्रणाम करता है। तिन नप सुतन कीन परनामा, इनने मारा दशरथ जी के लड़के को, प्रणाम किया लड़कों को, ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। सती जी को शंका होगी कि ब्रह्म जो व्यापक बीराजी अजी अकल अनी अभेद अशोक देही धर हो ये नरक जाहे न जानत वेद, जो कर्तुम कर्तुम अन्यथा समर्थ बाने हैं, जिसको वेद नहीं जानते हैं, सो की देही धर होए नर, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। सती जी को संशय हुआ, भगवान शंकर ने समझाया, सती जिनको मैंने प्रणाम किया है वो साधारण राजकुमार नहीं है, दशरथ जी के बेटे नहीं है, बन के आए हैं, परात पर ब्रह्म है। लेकिन सती जी नहीं माना। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, नहीं मानी। अब देखो भाई, पति समझाए तो पत्नी को समझ जाना चाहिए, नियम तो ये कहता है। और जिन जिन की पत्नियों ने पति को समझाया या जिनके पतियों ने पत्नी को समझाया और नहीं माना, तो कहीं ना कहीं हानि हुई है। सती जी को समझा रहे हैं, सती जी नहीं मान रही हैं। अच्छा, तुम्हारा भ्रम कैसे है, संशय कैसे दूर होगा? सती जी बोली, हम तो परीक्षा करेंगे, परीक्षा लेंगे। भोले बाबा बोले, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है देवी। नहीं नहीं, नहीं माना। अंत में भगवान भोले बाबा ने कह दिया, जो तुम रे मन अस संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। परीक्षा लेने के लिए चली, सीता जी का रूप धारण कर लिया। राम जी आगे से आ रहे थे, राम जी ने देखा ये सीता, थोड़ा आंखों को बंद किया और जैसे ही आंखों को बंद किया तो भगवान समझ गए, ये सीता नहीं है, ये तो सती जी हैं, ये तो नंबर दो की सीता बन के आई।
और जैसे सामने पहुंचे भगवान सती जी के, सो सीता बनी हुई है, तो भगवान राम ने पूछ दिया, कहो बहोर कहां ब्रस केतु, बिपने अकेल फिरो के ही हेतु। बनी सीता है सती, लेकिन भगवान ने सीता रूप देख तो लिया, लेकिन पूछा जब तब सती रूप में पूछा कि सती जी भोले बाबा कहां है, तुम अकेली क्यों घूम रही हो, कहो बहोर कहां ब्रस केतु। ब्रस नाम माने बैल और केतु नाम माने पता का, भगवान क्या है। बोले बैल को धर्म का प्रतीक कहा है और भगवान शंकर उस धर्म रूपी बैल पर केतु पताका के समान विराजमान है, उनकी तुम पत्नी हो, धर्म ध्वज की पत्नी हो, और तुम दूसरे की पत्नी कैसे बन गई। अंत हो गया, परीक्षा लेने के गई, फेल हो गई, भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात, गई महेश समीप तब हस पूछी कुशला। अभी भी सती की गनीमत थी। भोले बाबा पूछ रहे, बताओ परीक्षा कैसे ली, सत्य बोलना झूठ मत बोलना। तो सती जी ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले देखो देवी, तुम अपने ही हाथों जाल में फंसती जा रही हो। सत्य कहो सब बात, तो सती जी कितनी सत्य बोली, बोले कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। बोले बाबा, बोले कोई परीक्षा नहीं ली। बोले ना, बोले गई काय के लिए थी, बोले प्रणाम करने। शंकर जी बोले, हमारी साथ में प्रणाम कर लेती तो पति पत्नी कोई दान पुण्य धर्म का काम करें तो अनंत गुना मिलता है फल, अकेले अकेले में इतना फल थोड़ी मिलता, हमारे ही साथ कर लेती। भोले बाबा ने कहा, सती जब राम जी को मैंने प्रणाम किया तो तुम्हें शंका हुई, तो मैंने तुम्हें बहुत समझाया, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। अब तुम परीक्षा लेने गई, तुम कह रही हम प्रणाम करके आए, तो तुम्हारे भी बताने पर अब हमें विश्वास नहीं है। देखा ग्रस्त जीवन का, यदि पत्नी को पति के प्रति विश्वास है तो पति को भी उसके प्रति विश्वास है, एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, तब ग्रस्त जीवन चलता है। भोले बाबा के सती जी के इस प्रसंग से हमारे जीवन में प्रेरणा मिलती है कि अगर एक दूसरे के प्रति हम और आपको विश्वास नहीं होगा तो ग्रस्त जीवन की गाड़ी अच्छी नहीं चल सकती है, दो में से एक कोई रहेगा। सती जी नहीं मानी, अंतोगत्वा पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है, भगवान शंकर ने समझाया मत जाओ, तीसरी भूल कर दी। और जब पिता की यज्ञ में गई तो भोले बाबा ने ठान लिया, बोले अब सती जी जीवित नहीं आ रही, अंतिम यात्रा है। महाराज दक्ष प्रजापत जी के यहां सती जी पहुंची अपने पिताजी के घर। कनखल क्षेत्र में यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में महाराज भृगु पूषा आदि ऋषि लोग यज्ञशाला पर बैठे आहूत करा रहे हैं, और महाराज दक्ष प्रजापत जी यजमान बने हुए हैं। सती जी जैसे यज्ञ परिसर में पहुंची हैं तो सबसे पहले बहनें मिली, तो बहनें हंस करके मिली कि सती को तो निमंत्रण ही नहीं दिया, ये तो बिना ही बुलाए आ गई। दक्ष ने देखा तो दक्ष ने टेढ़ा मुंह कर लिया, कुछ बात ही नहीं की, कुशल क्षेम कुछ नहीं पूछी। और जब मां ने देखा तो मां दौड़ करके आंखों में आंसू भर के अपनी बेटी को बाहों में भर लेती, क्योंकि मां की एक ममता, मां का त्याग अपने संतान के प्रति होता है। तो सती जी ने यज्ञ मंडप में जाकर के देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन हमारे भोले बाबा को नहीं है। सती जाय
सती जाए देखे वो तब जागा। सती जाए देखे वो तब जागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा। कतहु न दीख कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जी ने देखा हमारे प्राणेश्वर भोले बाबा के लिए कोई आसन नहीं है, कोई जगह नहीं। तो विचार करिएगा, संसार में व्यक्ति संपूर्ण दुख सहन कर सकता है, लेकिन समाज के अपमान को बर्दाश्त करना महाराज बड़ा कठिन होता है, सबसे कठिन जाति अपमान। सती जी ने सोचा कि जिस शरीर ने अपने पति का अपमान देखा है, अब उस शरीर को इस संसार में रखना निरर्थक। सती जी महारानी आई हैं आग्नेय कोण में, पूरब और उत्तर, पूरब और दक्षिण के कोने में आके खड़ी हो गई। योग अग्नि को प्रज्वलित किया और योग अग्नि के द्वारा महारानी सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। यस देह तम भस्मा भवच्छा योग अग्नि। भगवान विष्णु ने देखा कि महारानी सती जी अपने शरीर को योग अग्नि में जला करके भस्म करने जा रही हैं। महाराज भगवान विष्णु सामने पहुंच गए। सती जी ने हाथ जोड़ करके उस जलती हुई अग्नि के मध्य से प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, सती धन्य है तुम्हारा पति प्रेम। सती ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, पति प्रेम तो है ही, लेकिन पति की आज्ञा ना मानने का प्रायश्चित कर रही हूं। पति की आज्ञा के ऊपर, पति के समझाने पर मेरे जीवन में संशय रहा, उस संशय का ही प्रायश्चित में कर रही हूं कि अपने शरीर को योग अग्नि में जलाकर के राख करने जा रही हूं। पति प्रेम तो है ही। भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा सती क्या चाहती हो अंतिम? जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। तो सती जी ने मांगा कि सती जरत हरि सन बर मांगा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बद मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म महारानी सती जी ने कहा, है प्रभु आदि पुरुष नारायण, आप मेरे पति भक्ति से प्रसन्न है तो मैं आपसे चाहती हूं, जब भी हमारा कहीं जन्म हो तो हमारा अनुराग अपने भोले बाबा के चरणों में रहे। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। शरीर का परित्याग कर दिया ये मान करके। दक्ष यज्ञशाला से देखता रहा कि बेटी योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई है। कुछ नहीं, किंचित मात्र दुख नहीं। ऋषि बोले, महाराज जी, अरे महात्मा हो, यज्ञ चलने दो, यज्ञ चलने दो। यज्ञ समो नास्ति शत्रु, यज्ञ समो नास्ति मित्र। यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं होता है और यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं होता है। महाराज यज्ञ बन जाए ना तो फिर महाराज यज्ञ यज्ञ है, और बिगड़ जाए तो महाराज फिर विनाश है। मैं नहीं, शास्त्रों में प्रमाण मिलते। एक यज्ञ का सूत्र आता है, रावण ने यज्ञ किया,